सिद्धरापी को क्या हो गया है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो शफक, परेशान मत हो, सिद्रा पे यकीनन कोई साया है। मम्मी इलाज करवा रही है ना, सिद्रा तो अपने हवास में ही नहीं थी। उस बेचारी को खुद नहीं पता होगा कि उसने किया क्या है। तो क्या हमारे बापी की शादी नहीं होगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शफक, मिनाहिर, अम्मी ऑलरेडी बहुत परेशान है और हम सब ने मिलकर ही सिद्रा को संभालना है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और देखो शफक, आइंदा ये बात अपनी जुबान पर मत लाना कि लारे बापी की शादी नहीं होगी। हम लोग सब मिलके लारे बापी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और नए नए कपड़े बनवाएंगे। ठीक है, सही। इसमें सीसीटीवी फुटेज की रिपोर्ट भी है ना? जी सर। ठीक है, हेलो जी, इंस्पेक्टर शरीफ बलोच बात कर रहा हूँ। जी जी जी, आरिफ साहब कैसे हैं आप? मैं बस अभी आप ही को याद कर रहा था। जी जी, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक चल रही है। अच्छा हुआ आपने खुद ही कॉल कर लिया, वरना मैं आपको कॉल करने वाला था। जी नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है इस केस के सिलसिले में। हाँ हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए पुलिस स्टेशन, आ जाइए। हाँ मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। उसे यहाँ क्यों बुलाया सर आपने? अब उससे क्या कहेंगे? अरे यार, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, वरना ये ऊपर चला जाएगा अफसराने बाला तक। और तुम तो जानते हो कि मीडिया का दौर है, छोटी से छोटी बात का भी पतंगड़ बन जाता है। ठीक कह रहे हैं आप सर, किसी तरह इस केस से जान छुड़वा लें। मैं सच कह रहा हूं सर, इस कत्ल में किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि कोई जिन भूत है। सर जब ये केस हल होने के करीब पहुंचा तब इंस्पेक्टर जफर की पुरसरार मौत हो गई सर। यार जब से यहां पर आए हो ना, जब से तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें करके मुझे डराने की कोशिश करते हो। भाई हम खुद पुलिस वाले किसी जिन भूत से कम नहीं है। भाई जाओ अपने जाके काम करो, और हाँ ये फाइल भी ले जाओ, इसमें मजीद जो जितनी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स है ना वो सारी इसमें लगाओ, क्योंकि अब ये केस हाई प्रोफाइल हो गया है, मुझे आगे तक जवाब देना है। चलो जाओ। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। देखो राशिद, ये बात तो तय है कि तुम लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होने वाली कुवतें एक नहीं दो हैं। लेकिन फिरोज तो अपनी दुनिया में वापस लौट के जा चुका है, तो फिर ये दूसरी ताकत कौन? मैं फिरोज की बात नहीं कर रहा हूँ, फिरोज पिंकी की वजह से तुम लोगों की जिंदगी पर असरअंदाज था, वो जा चुका है। लेकिन जिन दो कुवतों को मैं महसूस कर रहा हूँ वो कौन है और क्या चाहती है ये मैं नहीं जान पाया। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम इतने काबिल आमिल हो, तुम नहीं समझ पा रहे। ऐसा मेरे साथ पहली दफा हुआ है, वो दोनों कुवतें एक हो चुकी हैं और उन्होंने मेरे अमल को जाया कर दिया। राहिला बहन तो बहुत परेशान हुई, उन्होंने सारी उम्मीदें तुमसे बांध रखी हैं कि तुम सिद्रा का इलाज करो। करूंगा मैं इलाज, जरूर करूंगा। राहिला से कहना कि उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़, मैं बहुत जल्द इन कुवतों पर काबू पा लूंगा। फिलहाल मुझे गुड़िया से मिलना है ताकि मैं सारे मामलात को एक साथ देख सकूं। गुड़िया भी तुमसे मिलना चाह रही है। तो समझ में नहीं आ रहा कि बार बार ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों ये आजमाइशें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। बेफिक्र रहो राशिद, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी, खास तौर पर पिंकी की शादी के हवाले से। जब पिंकी की शादी तय हो जाए तो मुझे इत्तला कर देना, मैं
पिंकी के ससुराल और तुम्हारे घर में किसी दरख्त से एक तावीज बांध दूंगा जिससे कोई भी मारवाई मखलूक इस शादी की राह में रुकावट नहीं बनेगी। ठीक है मैं बता। देखिए पुलिस बड़ी ईमानदारी से हर केस की इन्वेस्टिगेशन करता है मगर पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं है, तावन नहीं करते हमारे साथ, हमें हमारे सवाल के जवाब नहीं देते, फिर मजबूरन हमें भी सख्ती करनी पड़ती है। और ये सब बातें आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं समझा देता हूं आपको। देखिए बड़ी जाफिशानी से इस केस पर काम कर रहे हैं हम, दिन रात की परवाह किए बगैर छानबीन कर रहे हैं, और सच पूछे तो इस केस में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए ना तो बड़ी बदनामी होगी इन दोनों खानदानों की। बस इसी वजह से मुकम्मल राजदारी बरत रहे हैं इस केस में हम। चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप राजदारी बरत रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम मुझे कुछ तो बता सकते हैं। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर किस तरह उसका कत्ल हुआ और क्यों किया गया उसका कत्ल? आप मेरे इन सवालों का तो जवाब दे सकते हैं ना। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, यकीनन आप परेशान होंगे, लेकिन आप अगर वाकई अपने भाई के कातिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ तावुन करना होगा। कैसा तावुन चाहिए आपको बताएं मुझे, आप जैसे कहेंगे मैं आपके साथ तावुन करूंगा। इंस्पेक्टर साहब मेरा भाई ना है, उसे कातिल को सजा देने के लिए आपको मुझसे जो तावन चाहिए होगा ना मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे आप बताएं, खुल के बात करें आप मेरे साथ, मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगा। ठीक है चलें फिर खुलकर बात कर लेते हैं आपसे। देखिए आपके भाई का जो कत्ल हुआ है जी, वो कोई आसेब है या शैतानी मखलूक मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत भयानक है वो, उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया है और अब मुझे मारना चाहती है। बाबू जी प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, प्लीज हमारी जान बचा लीजिए, वो साया हमारे पीछे पड़ा है, हमारी जान ले लेगा। मैंने मेरा मुआवजा बता दिया। जी बाबा जी, 30,000 काम से पहले, 30,000 काम के बाद। बस अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कल मगरिब के बाद जाऊंगा उस जगह का मुआयना करने जहां तुम्हारे दोस्त का कत्ल हुआ है, अमल उसके बाद शुरू होगा। बाबूजी पानी किस लिए? जहां रहते हो वहां चारों तरफ इस पानी को फैला देना, कोई भी मावराई मखलूक या भयानक चीज असर नहीं कर सके। लेकिन बस अब जाओ, हमारे चिल्ले का वक्त हो गया। बाबा जी Thank you.
दलाल बेटा, अंधेरा क्यों किया आप? खाना लगाऊं? अम्मी मेरे लिए क्या अंधेरा क्या उजाला, मैं तो अपने अंधेरे साथ लेकर चलता। दलाल कितनी मर्तबा का है कि ऐसी बातें मत किया करो बेटा। दिल दुखता है मेरा, मैं नहीं सुन सकती ये बातें। अम्मी अम्मी बैठे जरा मेरे पास, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। खाने का क्या है? खाना तो बाद में खा लेंगे। एक चीज बताएं अम्मी मुझे कि मेरी गैर मौजूदगी में लैला और उसके घर वालों को किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं बेटा, खुदा का शुक्र है कि सब ठीक। बल्कि गन्ना बता रही थी कि पिंकी अब बिल्कुल ठीक है, उस पर हवाई मखलूक के असरात भी खत्म हो गए हैं। अच्छा, तो अच्छी बात है। अगर कैसे? कोई शम साहब हैं जिन्होंने इलाज किया है। शम्स? हाँ, गना बता रही थी कि एक आमिल है जिनका नाम शम्स है, वो अल्लाह के कलाम से इलाज करते हैं। और तुम तो जानते हो ये हवाई मखलूकात अल्लाह के कलाम के आगे कहाँ टिक सकती हैं। मिलना चाहूंगा मैं शम्स साहब से। नहीं बेटा, बेटा अभी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए इन मामला से अभी दूर रहो। अरे अम्मी, एक्सीडेंट में जो चोट लगी है टांग पे, वो वक्त के साथ सही भी हो रही है, लेकिन इसकी वजह से मेरे बहुत से काम अधूरे रह गए हैं, वो पूरे करने हैं। तलाल, मैंने तुम्हें कहा है ना, जब तक तुम मुकम्मल सेहतमंद नहीं हो जाते इन अमलियात से दूर रहोगे। प्यारी अम्मी, एक्सीडेंट की वजह से वैसे ही बहुत ताखीर हो चुकी है, और एक दफा ये अमलात शुरू कर दिए जाएं तो इन्हें अधूरा नहीं छोड़ते, वरना ताकतें आप पे हावी हो जाती हैं। तनाल, मैं कैसे समझाऊं बेटा तुम्हें? काश यमियात के रास्तों पे मैं तुम्हें चलने ही नहीं देती। नहीं अम्मी, मुझे मत रोकिए, ना ही मुझे मना कीजिए। देखें, लोगों की मदद करता हूँ, लोगों के काम आता हूँ, पता नहीं किसकी दुआ लग गई है कि मौत के मुंह से वापस आ गया, है ना? तुम्हारी ये बातें मेरी तो समझ में नहीं आती। मैं खाना लगा रही हूँ, माँ बेटा बैठकर खाना खाते हैं। शम्स, लैला, लैला कहीं जाने का सोच रहे? तुम जानते हो ना मैंने तुम पे अमल कर रखा है। नीलोफर, अब मैं यहां नहीं रुक सकता, बुला रही है मुझे, वो जाना होगा, जाना होगा। वो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत में नहीं बुला रही है फिरोज, बल्कि उन सवालों के जवाब के लिए बुला रही है जिनका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। तुम उसके सामने जाकर भी उसे मुतमईन नहीं कर पाओगे। कुछ 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 भी हो नीलोफर, जाना तो होगा। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको कहा था कि फिरोज को काबू कर ले, उसे इतना लागिर कर दे कि वो यहां से जाने के काबिल ना रहे, लेकिन आप मेरी बात मानती ही कहां है?
आपने उसकी सारी ताकतें बहाल कर दी और वो यहां से चलता बना, जिससे मोहब्बत की खातिर आपने इतनी जिंदगी गुजार दी, आपको तो वो भी करनी नहीं आई। बातों से ही सीना छलनी करोगे कर्चा, या कोई छुरी चाकू भी है तुम्हारे पास? और अगर नहीं है ना, तो जाओ जाकर ले आओ और काट दो मेरी शारग, क्योंकि शारग कटने का इतना दर्द नहीं होगा, इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी फिरोज के जाने से हुई है। मेरा तो अब भी वही सवाल है कि आपने उसे जाने क्यों दिया, उसे इस बोतल में कैद क्यों नहीं कर लिया? अपनी ही बात के जाल में उलझ गई थी मैं कर्चा। मैंने ही उससे बोला था मांगो क्या मांगते हो, और उसने अपनी आजादी मांग ली मुझसे। क्या करती मैं? मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, आपको अपनी बात से मुकर जाना चाहिए था। जो नेकी करके दिल को सुकून ना मिले वो नेकी कबूल ही नहीं होती, उल्टा आजाद कर दिया और अब पछता रही। आजाद नहीं किया है मैंने उसे, बस जाने दिया है। कर्चा तुम उस लड़के को ढूंढ लाओ, वो लड़का जो अपने गुरु के साथ आया था, जिसने अमल करके फिरोज को मुझसे दूर कर दिया था। अगर वो लड़का हमें मिल जाएगा तो मैं इस अमल से छुटकारा पा लूंगी और फिरोज फिर से मेरा हो जाएगा। कर्चा जाओ, जाओ उस लड़के को ढूंढो, ढूंढो उस लड़के को, ढूंढ के ले आओ उस लड़के को। कर्चा आप उस लड़के की बात तो नहीं कर रही जिसकी आंखें अमल के दौरान जाया हो गई थी? हाँ वही लड़का, अब तो वो खुद भी आमिल बन चुका होगा, उसके पास वो अमल है जो फिरोज को फिर से मेरा कर सकता है। आप बेफिक्र हो जाओ मैडम, कर्चा आपसे वादा करता है वो लड़का इस शहर में होगा तो मैं उसे ढूंढकर आपके कदमों में लाकर फेंक दूंगा। कर्चा तुम ही मेरा एक काम कर दो, वरना फिरोज हमेशा के लिए मुझसे दूर चला जाएगा और मैं उसकी जुदाई नहीं सह पाऊंगा। जी सर, मुझे आपके सारे ऑर्डर्स का पता है, अगर आप मैसेज कर देंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। जी टाइम पर डिलीवर भी हो जाएंगे। ओके अल्लाह। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। सिब्रा कहाँ है? वो अंदर बैठी है। अच्छा मैं मिल लेती हूँ उससे। कैसी हो सिद्रा? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? सबके साथ घुल मिल कर रहा करो ना, कोई मर जाए तो सबर आ जाता है सिद्रा, लेकिन कोई जीते जी अपना मरा हो तो वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी बहनें अम्मी सब बहुत चाहते हैं तुम्हें, सिर्फ मौत ही रूह को नहीं खींचती बल्कि कभी कभी जिंदगी भी साथ छोड़ जाती है। किसी की मौत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मौत की बातें ना करो,
हसान ने तुमसे शादी से इनकार नहीं किया था, मुझे पता है और किसी को नहीं पता। नहीं सिद्रा, बाबा ने खुद सुना, उसने कहा उनसे, हसान ने खुद इनकार किया था। जबान से, दिल से नहीं, बल्कि उसका दिल आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए धड़क रहा था। तुम ये सब कैसे जानती हो सिद्रा? मुझसे मजीद कोई सवाल नहीं करो, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानती। तुम क्या कहना चाह रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ मुझे। समझ नहीं आता ना तो तुम्हारी यूं आंखें भीगती नहीं। चली जाओ, चली जाओ, मैं कुछ नहीं जानती। जी अम्मी थोड़ी सी बिजी हैं इसलिए मैं देख रही हूँ। जी आप कॉल कर लें। ओके गुड़िया, गुड़िया क्या? अरे सिद्रा क्या कर रही हो यार, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। सही तो खेल रही हूँ मैं। कहाँ सही खेल रही हो, और कैसे खेलते हैं? क्या यार तुम्हें तो हराने का भी मजा नहीं। अब क्या हुआ, गेम क्यों छोड़ दी? मेरा मूड नहीं अच्छा था। ये थोड़ा एक्टिव होने को कहा था मैंने, गेम छोड़ने को नहीं कहा था। बस अब नहीं है ना मूड मेरा। अच्छा एक गेम और खेलते हैं, कम ऑन गुड़िया। गुड़िया नहीं सिद्रा हूं मैं। हाँ वही सिद्रा। जाहिर है तुम्हारे मुंह से तो निकलना ही है उसका नाम, हर वक्त उसके बारे में सोचते जो रहते हो तुम। जाहिर सी बात है, मोहब्बत करता हूँ उससे, उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा। वैसे एक बात बताओ, मैं बहुत जल्द अपनी अम्मी को उनके यहाँ भेजने वाला हूँ रिश्ते के लिए, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। कौन हो तुम, यहां तक कैसे पहुंचे? तुम्हें मेरा पता किसने बताया? किरचा नाम है मेरा, और तलाल साहब आपको कौन नहीं जानता। इस शहर में जिसको भी अपनी मुसीबत बताई उसने सिर्फ आपका ही जिक्र किया,
अगर आप मेरे साथ मेरे घर चले और अमल करें तो मेरे घर में मुसीबत टल सकती है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूं। मैं आजकल कुछ मुश्किलों में उलझा हुआ हूं। मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकता। नहीं नहीं तलाल साहब, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं अहद करके आया हूं कि आपको साथ लेकर जाऊंगा। आपको मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा ना तुम्हें, मेरे पास वक्त नहीं है। जाओ, किसी और आमिल के पास जाओ। ये शहर आमिलों से भरा पड़ा है। आप ठीक कह रहे हैं तलाल साहब, ये शहर आमिलों से भरा पड़ा है। बहुत से तो मैं मिल भी चुका हूं, लेकिन कोई भी मेरे घर की मुसीबत नहीं टाल पाया। कोई भी मेरे घर में आसेब को खत्म नहीं कर पाया। तलाल साहब, मुझे यकीन है तलाल साहब कि अगर आप एक दफा मेरे साथ मेरे घर चलेंगे, अमल करेंगे, तो मेरे घर की सारी मुसीबतें टल जाएंगी। आप ही हैं जो उस आसेब को काबू कर सकते हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम यहां किसी मकसद से आए हो? सच सच बताओ, कौन हो तुम और तुम्हें किसने भेजा है और क्या चाहते हो? तलाल साहब, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? आप इतने पहुंचे हुए आमिल, हजारों मौकल आपकी कैद में हैं। मैं भला आपसे झूठ बोलने का रिस्क कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, मेरे नंबर पे फोन कर लेना, उसके बाद मैं देखूंगा। अगर मेरा दिल चाह तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। बहुत मेहरबानी तलाल साहब, मैं आपको फोन करूंगा, बल्कि आप कहेंगे तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा। अब तुम यहां से जा सकते हो। बेहतर जी। खबरदार, किसी भी चीज को हाथ मत लगा, और अब जाओ यहां से। जी बेहतर। तुमने तो संभाल के रखे हैं ना अपने माँ के दिए हुए झुमके। जाहिर सी बात है, वो मेरी अम्मी की निशानी है, मैं क्यों लापरवाही करूंगी? गुड़िया ने तो खो दिए हैं वो झुमके। क्या, उसने मुझे तो नहीं बताई ये बात? वो कब किसी को कुछ बताती? उसने तो न जाने क्या कुछ खो दिया है, और जो कुछ उसके पास है वो भी उसका नहीं। इसीलिए जब भी मैं उससे पूछती हूँ वो बात टाल। ख्याल रखा करो गुड़िया का, उसके घर जाती रहा करो। इतनी बड़ी नहीं है गुड़िया जितना तुम लोगों ने उसे समझ लिया। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, मैं जाती रहूंगी। ये पिक्की किससे बात कर रही है? किससे बात?
क्या हुआ पनाटे, अभी तो गए नहीं? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, मैं जाके किचन में देखती हूँ। अभी तो ठीक थी जी, भी आज घर में सब। क्या बात करनी थी आपको मुझसे? शाम को बहुत अजीब वाकया हुआ है मेरे साथ। क्या हुआ? मैं पिंकी के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मुझे लगा वो किसी से बातें कर रही है। मैंने जब दरवाजे के अंदर झांका तो वहां कोई मेरे रूप में मौजूद था। उस मावराई मखलूक ने मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया और जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो वो गायब हो गई। पिंकी ने उसे गायब होते हुए देखा? पिंकी तो यही समझ रही थी कि मैं उसके पास से उठ के बाहर आके खड़ी हो गई हूँ। ये सब क्या हो रहा है गना बहन? एक बार फिर से खौफनाक वाकयात हमारे घर में होना शुरू हो गया। शम्सी बहुत परेशान है, बहुत उलझ रहा है वो, उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या। वक्त फिर से माजी को दोहरा रहा है, अब क्यों नहीं समझ रहे? बहना ने जो देखा इसका मतलब है ये कोई पुरसरार कुवत जो इस घर में हमारे आसपास मौजूद है। फिरोज तो चला गया था तो ये फोर्स किसकी है? जिन दो पुरसरार कुवतों की बात शम्स करता है वो कौन है? शैतान है, जिन है या रूह है? कौन है जिसने हमारी जिंदगियों में खौफ और हैरास फैला दिया है? हसान ने तुमसे शादी से इनकार नहीं किया था, मुझे बताए। बाबा ने खुद सुना, हसान ने खुद इनकार किया था। जबान से, दिल से नहीं, बल्कि उसका दिल आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए धड़क रहा था। सिद्रा कैसे जान सकती है ये बात? अगर जानती भी है तो बहुत कुछ और भी जानती होगी। सिद्रा हसान को पसंद करती थी, हसान ये बात जानता था। इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे पोशीदा रह गई? सिद्रा इतने वसौक से कैसे कह सकती है कि हसान ने मुझसे शादी करने से दिल से इनकार नहीं किया था? क्या किसी ने हसान को मजबूर किया था ऐसा करने के लिए? क्या सिद्रा जो सब बोल रही है वो सिर्फ डिप्रेशन में बोल रही है? नहीं, सिद्रा अपने पूरे होशो हवास में थी। पता नहीं सच है क्या आखिर। मुझे क्या हो गया है राशिद? क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी? मेरी बच्चियां मुझसे दूर हो गई, सहम गई हैं, तो मुझसे बात भी नहीं करती। खौफ ने मेरी बच्चियों के चेहरे की हंसी तक छीन ली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है सोनिया, हमारी बच्चियां तुझे बहुत प्यार करती हैं। वहम है तुम्हारा और मैं संभाल रहा हूं ना उन्हें। वहम है तुम्हारा, सब 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 ठीक हो जाएगा। मेरा वहम? आपको लगता है ये सब मेरा वहम? ये सब मेरा वहम है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरे दिमाग के अंदर है और सामने कुछ नहीं हो रहा। आप भी बिल्कुल घर वालों की तरह बात कर रहे हैं राशिद। आप सब मिलके मुझे पागल कर देंगे। सवाल ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तुम्हें पागल नहीं कर रहा। पिंकी, गुड़िया, मैं, शफक, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ, तुम देखना तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं है ऐसा। मुझे नहीं लगता कुछ भी ठीक होगा। मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। बेहतर है मुझसे सब दूर चले जाएं। आप भी मुझसे दूर हो जाएं। मेरी बेटियां कहां हैं? मैं उनको लेके यहां से चली जाऊंगी। सोनिया, कुछ नहीं है तुम्हें। मुझे इतने बड़े इम्तिहान में मत डालो।
नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, प्लीज कुछ नहीं यार। ये कैसी आवाज़ है?